बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे वीर वीर न्यू। आजकल जैसे कि आपको पता है हम पाकिस्तान में हैं, तो वैसे तो टाइम इतना होता नहीं है पाकिस्तान में आके, बंदा वेला ही बिजी होता है। तो फिर भी ना ले गए थे भाई, थे तो चले चले शिकार पे, दोस्त थे ले गए मुझे जी सुबह सुबह शकरगढ़ साइड में। अच्छा उधर काफ़ी ज़्यादा गऊ देखने में मिले, बहुत सरसब्ज़ इलाका है ये शकरगढ़ एरिया जो है ना, तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे ना। लेकिन गर्मी तो फल्ला तोबा, इतनी गर्मी की हद है यार गर्मी की। तो ये नाला बसंतर है, कुछ लोग उस साइड जा रहे थे, कुछ इस साइड आ रहे थे, मैं तो अपने पाँव धो रहा था बैठ के। मज़े वाला पानी था, ठंडा ठंडा पानी। सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन 9 के आसपास, 9:30 के टाइम था, तो पानी चल भी रहा था स्लोली। अच्छा जी, तो ये कश्ती है बस, पानी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता लोग शायद अपनी बाइक बचाते हैं इसलिए इसको क्रॉस करते हैं। थोड़ा सा पानी है, साफ नज़र आ रहा था। आगे चल के अब देखे कुत्ते भी क्रॉस कर रहे हैं, तो बंदे तो फिर बंदे हैं यार। अच्छा जी, मज़ा वैसे बड़ा आया शिकार खेलने में। हम गए हुए थे शकरगढ़ साइड में, बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में हम लोग गए हुए थे। तो बस जी फिर सारा दिन जंगल में खज्जल खुआरी, सियाने कहते पुत्र सूर के शिकार चो लभदा कुछ नहीं। तो फिर ना मैनू कल पता चलिया वाकई सूर के शिकार तो कुछ नहीं लभदा, क्योंकि तो पहले तो कभी गए नहीं सी, तो फिर लभना की सी ना कभी पता ही नहीं सही। अच्छा सुबह के गए हुए 8 बजे से पहले हम चले उधर चले गए, 8:30 बजे उधर पहुँच गए थे। तो पता चला 8 बजे शिकार शुरू हो जाना, काफ़ी पार्टियाँ आई थी, बड़े बड़े कुत्ते लेके। हम आप देखेंगे आगे चल के ना, मतलब कि जितना अमूमन गधा होता है इतने बड़े तो कुत्ते थे, इतना तो उनका कद काठ था और देखने लायक थे ना। तो फिर मैंने कुत्ते देखे, इन्जॉय किया, तो ये भी अल्लाह ताला की तख्लीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चले गए जंगल में। जंगल में देखें ये तो जिधर हम लोग खड़े थे ना उधर था थोड़ा छोटे छोटे ये जड़ी बूटियाँ थी। आगे आपको नज़र आ रहा होगा ये नाला बसंतर जो सूखा हुआ था, पानी कुछ नहीं था। वो पीछे जिधर कश्ती थी उधर ही थोड़ा सा पानी रास्ता है, तो उधर पानी है, पता नहीं वो क्या सीन है। आगे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, इससे आगे चले तो बिल्कुल ही खुश्क था, तो बस उसी जगह में पानी था। अच्छा अब लोग घूम रहे हैं इसके बीच में, ढूंढ रहे हैं सूअर को, ढूंढ रहे हैं, किसी ने कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है किसी ने कुछ, तो कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा थे, बंदे भी बहुत थे, कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा घूम घूम के मैं तो बस बैठा हुआ था उधर, मेरे एक दोस्त थे तो उनका एक दोस्त था चोरी साहब थे वो शायद बबराल के, तो वो आगे उनको कॉल कर दी वो आगे, तो हम लोग तो फिर एक शॉप में जाके बैठे रहे उधर, बस पकौड़े खाए। तो पकौड़े वैसे उधर एक आंटी थी जो पकौड़े निकाल रही थी, तो काफ़ी मज़ा आया। माँ जी क्या हाल, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। हाँ जी लगे ने। अच्छा वो उधर पकौड़े आंटी पकौड़े निकाल रही थी ना। अच्छा वो आंटी की स्टोरी है जी, वो आंटी पहले आप कुत्ते ही देख लें, फिर मैं आपको ना आंटी की स्टोरी बताता हूँ। कुत्ते कितने बड़े बड़े, और इस टाइप के काफ़ी और भी हैं, ब्लैक कलर में भी, वो भी शायद वीडियो में होंगे आगे जा कर ही ना। तो वो आंटी मशहूर थी पकौड़ों वाली, आंटी का जो हस्बैंड था ना वो नेवी में ऑफिसर था, और बेचारे की डेथ हो गई, तो आंटी की 3-4 बच्चियाँ बता रहे थे। तो शुक्र है लाला मियाँ साहब, अपनी सुनाओ ला दी हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनाओ। अच्छा जी, तो फिर ना उधर खाए हमने पकौड़े, और बाद में आ गए जी ये डेरे पे वापस। अच्छा अब इससे आगे जाना था, तो फिर इससे आगे जो खज्जल खुआरी हुई है ना, सियाने जो क्या सी ना वो सच क्या सी पुत्र, सूर दे शिकार चो लभना कुछ नहीं, जिन्ना मर्जी जलील हो लो। तो अब आगे एक गन्ने का खेत थे काफ़ी बड़े, तो उधर जा रहे हैं जी गन्ने के खेत में। इतने जंगलात घूमी हम लोगों ने, घूम घूम के, कुछ लोग उधर गाय भैंसे भी चुरा रहे थे, जंगली जानवर भी घूम रहे थे। अच्छा वैसे ना उधर अगर बंदे के पास गन हो तो शिकार काफ़ी मिल जाता है, लेकिन मेरी मिस्टेक थी कि मैं ले कर नहीं गया, नहीं तो खाने के लिए तो कुछ मैंने ले ही आना था। बहरहाल जी वापसी आ गए थे, कुछ नहीं मिला था, तो फिर 3:30-4 का टाइम था, रास्ते में आया था कि जंगल में चाचा थे, चाचा ने लगाया हुआ था ठेला जी गन्ने का रस सेल कर रहा था, तो मुझे लगा कि यार शायद इधर कोई क्वालिटी की चीज़ मिल जाए। अच्छा वैसे क्या चाचे ने गन्ने काफ़ी साफ़ सुथरे दो धागे रखे हुए थे, साथ लेमन भी थे, तो चाचा जी के सेल हम लोगों ने लिया फिर रस।
उसमें डाली ठंडी बर्फ़। मैंने बाइक रोकते पूछा अंकल जी बर्फ़ है, तो अंकल जी ने कहा बर्फ़ बड़ी पतरा। अच्छा फिर मैंने ना वो चेक किया जो काला नमक नहीं रखा होता वो वाला मैंने चेक किया, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने नारवल में नारवल से गन्ने का रस पिया तो मुझे ना मुंह में अजीब सी एक मिठास आई। मैंने वो डिब्बी खोली मैं तो लगा था काले वाला नमक खाने, थोड़ा सा मैं लिया तो वो तो आगे निकली चक्रीन। तो मैंने इसलिए अंकल से पहले चेक कर लिया था, वो वाकई अंकल के पास जेन्युइन चीज़ काला नमक था। वो भी उसमें हल्का सा हमने खुद बुला डाल लिया थोड़ा सा ना, और बिल्कुल अच्छी चीज़ मिली। ये तकरीबन शाह गरीब के आसपास ही अंकल रोड के ऊपर जंगल में बैठे होते हैं अकेले बेचारे, चार पे लगा के ना को आगे ना को पीछे, लेकिन अल्लाह पाक इसको भी रिज़्क दे रहा है। फिर हम लोगों ने खूब मज़ा किया। अच्छा पहले तो हम लोगों ने गन्ने का रस पिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने मकई खाई, मकई के दाने खाए। आजकल मौसम है तो वो भी बड़े मज़ेदार थे, वो बुने हुए थे कोयले पे, वो भी आगे चल कर रोड पे सेल कर रहे थे। शायद उसकी मेरे पास वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उधर रुके थोड़े से थे, तो अब ये अंकल बर्फ़ डालने लगे यार। और ये थी चीज़ ना, गन्ने भी वो होते ना कच्चे होते हैं, ये गन्ने भी पके हुए थे। हम लोगों ने तो इसलिए गन्ना भी एक वो दोस्त ने ले उठा के तो वो खाना शुरू कर दिया था। अब जी ये आ गए हमारे जोड़ी पीछे से। अच्छा जी तो बस इतना ही था, खजल खुआरी हुई वेले फिर फुर के, तो फिर सारा दिन वापस आ गए, ना कोई कम ना कोई कार। तो शाह जी और रेड़ी दे छोड़ो उन्होंने, चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया मुर्शद। नाम का नाम कहदा शाह जी, जेड़ा काम किया जे कल तो नाम का नाम लैना जे कर गए हो इन्ना तो लै लवो। मैं क्या शाह जी जे इन्ना कल कर गए हो तो लै लवो नाम का नाम, समझ हूँ आनी कल ही तू ना। अच्छा ये मेरे पास कल ना एक ऐसे ये मोवाली सा है, तो मैंने उसको बोला मिट्टी उठा के ना तो ये जो जगह है प्लाट उसमें डाल दे। तो सुबह से लेके शाम को मैं मगरब से थोड़ी देर पहले आया तो मैं सीधा घर पे चला गया था, तो इसने बड़ी मुश्किल से ना आधी ट्राली उठाई हुई थी। तो बस ऐसे ही है, अल्लाह ही है इनका हाफज ना, अल्लाह पाक ही इन्हों का हाफज। हाँ जी शाह जी भाई जान मेरी गल सुनो, मैं शाह जी तुम 3 बजे तक तुम बह रहे मिट्टी ढेडे को चढ़े कोई ना, कल भी झूले लाल तो अज तुम आ गए हो फिर 10 बजे ने। अच्छा जी बेईमान सच्ची गल है, मजदूर मिस्त्रियों ने इतने अखीर की